नमस्कार, ई दिना में आपका स्वागत है। वेस्ट बंगाल से भी हम अगर देखें तो वहां पे भी ऐसा बताया जा रहा है कि वहां भी बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 12 सीटें मिलेंगी और पिछली बार के कंपैरिजन में बीजेपी का वहां 6 सीट का लॉस होगा। 2019 में भाजपा वहां 18 सीटें जीती थी और बीजेपी का इतना चेस्ट थंपिंग के बावजूद ये देखा जा रहा है कि शायद ममता वहां पे भी अपनी मतलब बनाए रखने में अभी भी सक्षम है। टीएमसी को 30 सीट का ये बताया जा रहा है कि 30 सीट्स जीतेंगी टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर 30 सीट्स, क्योंकि कांग्रेस भी 2-3 सीट जीत सकती है वेस्ट बंगाल में और लेफ्ट भी 1 सीट जीत सकती है, कि टोटल इंडिया ब्लॉक का 30 सीट हो जाएगा। बीजेपी को क्या उम्मीद थी वेस्ट बंगाल में ज़्यादा नंबर आ जाएगा, वो तो ऐसा नहीं लग रहा है। ओडिशा में भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ एनडीए को 10 सीटें जीत सकती है आउट ऑफ टोटल 21 सीट्स, तो ओडिशा में उनको थोड़ा फाइट मिलेगी ऐसा लग रहा है। ओडिशा में वो ज्यादा सीट की उम्मीद थी बीजेपी को जी, नवीन पटनायक और बीजू जनता दल उनके साथ वो गठबंधन करना भी चाहते थे, बट लास्ट मिनट में वो कैंसिल हो गया। संबित पात्रा है बीजेपी स्पोक्स पर्सन, क्या बताया, जगन्नाथ भी मोदी की भक्त है वो, और नवीन पटनायक की हेल्थ के बारे में मोदी जी ने क्या बताया, सब होने के बाद बीजेपी का वो चांसेस कम हो गया। सडनली ये लोगों को स्वीकार नहीं होगा, बीजेपी जनता बीजू जनता दल का नंबर ज्यादा हो गया, कांग्रेस इंडिया का इंडियन गठबंधन का उतना ज्यादा नहीं है उधर, एक सीट बीजेडी और बीजेपी फाइट, एक सीट जीत सकती है उधर कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा, बट बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 10 मिलेगा और बीजू जनता दल को 10 मिल जाए। वो बीजू आफ्टर इलेक्शन कहाँ किसके साथ जाते हैं किसी को पता नहीं जी। महाराष्ट्र से हमारे साथ निश्चय हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस इलेक्शन के दौरान ऑलमोस्ट करीब 1 साल तक उन्होंने इस चुनावी प्रक्रिया में लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी किए और इस चुनावी प्रक्रिया को महाराष्ट्र में बहुत करीब से देखा है, तो हम सुनते हैं कि निश्चय क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 30 से 35 इंडिया आघाड़ी जीतेगी ऐसा सारे विशेषज्ञों का अंदाज़ है। हमको लगता है ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता में चुनाव से पहले ही भाजपा के खिलाफ एक काफ़ी सॉलिड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट था, गुस्से का एक काफ़ी तीव्र माहौल था। इसके कई कारण हैं। महंगाई से जनता पहले से त्रस्त है, खासकर महिलाएं, वो ये बोल के दिखाती है। नौकरियां ना होना, परीक्षा टाइम पे ना होना, रिजल्ट्स में धांधली, पेपर लीक के केसेस, इसके वजह से युवा परेशान है, अग्निवीर के वजह से युवा परेशान है। और सबसे बड़ा फैक्टर किसान। महाराष्ट्र में किसानों को 10 साल में भाजपा की नीतियों के चलते सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, हज़ारों आत्महत्याएँ हुई है, देश में शायद सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुई है। आयात निर्यात की गलत नीति के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसल के दाम आज कई इलाकों में सोयाबीन और कपास को 2012 और 13 जितने मिल रहे हैं, जबकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, लागत का खर्चा इतना बढ़ गया है, और पीक फसल बीमा का पैसा ना मिलना, इन सब कारणों की वजह से किसानों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भाजपा सरकार के ऊपर है। इसका असर कहाँ दिखेगा? विदर्भ में दिखेगा, जहाँ पे किसान काफ़ी क्राइसिस में है। मराठवाड़ा में दिखेगा, जहाँ पे रोज़गार और खेती की वजह से मराठा आरक्षण का मुद्दा जोर पे था, वहाँ पे मराठा आरक्षण आंदोलन जोर पे था। उत्तरी महाराष्ट्र में जो प्याज उगाने वाला पट्टा है, वहाँ पे इसका असर दिखेगा। और जब से भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है, तब से स्टेट की अंबेडकराइट दलित जनता ये पूरी तरह से एक मत से भाजपा के खिलाफ हो गई है, क्योंकि इससे साफ दिखता है कि 400 पार का मतलब है संविधान बदलना, आरक्षण की नीति खत्म करना। इसके वजह से ओबीसी का भी एक बड़ा सेक्शन भाजपा के खिलाफ जाएगा, आदिवासी पहले से ही इनके खिलाफ गए हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का मुद्दा हो या आरक्षण का मुद्दा हो, उसके वजह से। तो जनता का बड़ा सेक्शन पहले से इनके खिलाफ गया है, उसमें और भर भाजपा ने खुद डाली शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर। भले ही कुछ बड़े नेता भाजपा के साथ गए हो, शिवसेना का आम वोटर, एनसीपी का आम वोटर, आम शिवसैनिक, आम कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे जी के साथ, शरद पवार जी के साथ है, और इससे इसके वजह से ये दोनों ही पार्टियां, इंडिया अलायंस की पार्टियां
जीतेंगी ज़्यादा वोट्स और भाजपा का नुकसान होने वाला है। और जो इन्होंने बड़े बड़े नेताओं पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाए उनको ही अपने साथ भाजपा ने ले लिया है, तो उनको सपोर्ट करने वाला, भाजपा को सपोर्ट करने वाला एक जो बेस है उसका भी एक हिस्सा इनके खिलाफ इस बार जाते हुए दिख रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो गारंटीज दी है, चाहे वो महिलाओं को 1,00,000 रुपए देने की गारंटी हो या सबसे इम्पोर्टेंट 50% का आरक्षण का मर्यादा हटा के जातिगत जनगणना करके आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात की हो, इसने कहीं ना कहीं सारे समाज की जनता को छुआ है। धनगर समाज हो, ओबीसी हो, मराठा हो, सबको आशा दिख रही है कि हमारा आरक्षण का मसला हल होने वाला है, तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा, इंडिया आघाड़ी को होगा। कुछ सवाल चुनाव के निष्पक्षता पे ज़रूर उठे हैं और बीड जैसे इलाकों से कुछ खबरें भी आई है बूथ कैप्चरिंग की, ऐसी एनसीपी शरद पवार ने कंप्लेंट्स भी की है। अब इसके बावजूद ये आसार दिख रहे हैं ग्राउंड से कि भारी मात्रा में सीट्स बीजेपी हारने वाली है, तो 30-35 इंडिया जीतेगी ये अंदाज़ा पूरी तरह से सही हो सकता है, 40 तक भी हो सकता है, क्लीन स्वीप भी हो सकता है। महाराष्ट्र में निश्चय बोल रहे हैं कि करीब 30-35 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है, ये तो बहुत बढ़त है कंपेयर टू 2019 में 6 सीटें जीता था इंडिया अलायंस। इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत बड़ी मार्जिन से आगे लेने के लिए महाराष्ट्र इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टर्निंग स्टेट हो सकता है जी। कोई स्विंग स्टेट है तो, इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है जी, राजस्थान है, हरियाणा है, महाराष्ट्र इज द इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है। बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में बहुत बड़ी लॉस उठाना पड़ेगा। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।